मेम साहब, अगर आधी पगार मिल जाती तो? आधी पगार? क्यों भाई, क्या हुआ? मेम साहब, वो बाहर ठंड बहुत बढ़ गई है और घर में कंबल नहीं है। सोच रही थी कि एक अच्छा कंबल खरीद लूं अपनी बेटी और अपने लिए। देख मीनू, अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ है, अभी कैसे दे दूं तुझे पैसे? देख लीजिए ना मैम साहब, मैं तो ठंड सहन कर लूँगी पर बेटी के लिए तो कंबल खरीदना पड़ेगा ना मैम साहब। अच्छा सुन, तू एक मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। ये ले, रख ले। क्या हुआ, क्या देख रही है? कुछ नहीं मैम साहब, अच्छा है। शुक्रिया मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुन, खाना बचा हुआ होगा, चाहे तो टिफिन पैक कर ले उसका। जी मैम साहब, शुक्रिया मैम साहब। इस ठंड में कम से कम मेरे सर पर छत तो है, लेकिन इनके पास तो वो भी नहीं है। इस कंबल की जरूरत उससे ज्यादा इनको है। भैया, आप ये कंबल ओढ़ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कुछ खाया है? नहीं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लीजिए भैया, ये थोड़ा सा खाना आपका। बहन जी। जी नमस्कार। जी भाई साहब। मेरी एक संस्था है, हम जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं और आज हम कंबल बांट रहे हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। और माफ़ कीजिएगा, पर आपको ऐसे ठंड में जाते देखा तो मुझे लगा शायद आपको कंबल की ज़रूरत होगी, तो आप ये रख लीजिए प्लीज़। शुक्रिया भाई साहब। आपके परिवार में और कोई है जिसको कंबल की ज़रूरत हो? हाँ भाई साहब, मेरी एक छोटी बेटी भी है। आप एक काम करिए, अपनी बेटी के लिए भी रख लीजिए। और ये थोड़ा खाना है, आप अपनी और अपनी बेटी के लिए ले जाइए। शुक्रिया भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे प्लीज़ आप ऐसे मत बोलिए, आप ध्यान रखिए। थैंक यू भाई साहब। हाँ जी। एक मदद और कर देंगे क्या? जी बताइए भाई साहब। उस पार्क में एक बेघर आदमी है, अगर आप उसकी मदद कर देते तो। जी जरूर, थैंक यू, आपने उनके बारे में बताया, मैं उनकी मदद जरूर कर दूँगा। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत एहसान रहेगा। थैंक यू, ध्यान रखिए आप। Helping someone in need will never go in vain, because God helps those who helps others. So always keep helping. That's it for this film. I'll see you guys next week. For me, there are 2 types of people in this world. एक जो लोगों के साथ स्कैम करते हैं और दूसरे जो लोगों के साथ स्कैम करने से बचाते हैं, और उनको मैं सेवियर्स बोलता हूँ। And today I take a pledge to be a savior. Do you take that pledge?